कंधे पर रखा हाथ और मोनू मानेसर को एक पुलिस वाले ने कर लिया गिरफ्तार। अब क्या कहेगी राजस्थान पुलिस? न बिट्टू बजरंगी की तरह दौड़ाया, न घर में घुसी फौज, सीधा मार्केट से उठाया और सफेद रंग की कार में जाकर बिठाया। क्या नू मामले में हुई गिरफ्तारी या नासिर जुनैद केस में होगी पूछताछ? हरियाणा नहीं, राजस्थान होगा नया ठिकाना। राजस्थान के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जिस मोनू मानेसर को नहीं पकड़ पाए, जिसके लिए गहलोत सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए और फिर नाकामी हाथ लगी, उसे हरियाणा पुलिस के एक जवान ने बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की है। वो मॉल से सामान लेकर निकलता है, हाथ में प्लास्टिक का थैला दिखता है, तभी सामने की ओर से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। शायद वो कंफर्म करता है कि मोनू मानेसर यही है और फिर फोन पर बात करता हुआ एक व्यक्ति बड़ी आसानी से मोनू मानेसर के कंधे पर हाथ रखता है और बात करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी एक और जवान बगल से आता है और मोनू मानेसर को दोनों मिलकर सफेद रंग की कार में बिठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। ये गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। मोनू मानेसर के घर वाले इस बात से परेशान हैं कि सादी वर्दी में आए ये दो लोग कौन थे, हरियाणा के CIA के जवान थे या कोई और था जो मोनू मानेसर को उठाकर ले गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से ऐसे ही सादी वर्दी में आए कई जवानों ने पकड़ा था और गर्दन पकड़ कर ले गए थे, तब भी यही सवाल उठे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो हरियाणा पुलिस के ही जवान थे जो सादी वर्दी में बिट्टू को अरेस्ट करने गए थे और बिट्टू ने भागने की कोशिश की तो पकड़ लिया। यहाँ मोनू मानेसर ने ना तो भागने की कोशिश की ना ही कुछ कहा। अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले नासिर और जुनैद के केस में मोनू मानेसर वांटेड है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि मोनू मानेसर ने गौ रक्षा के लिए यह कदम उठाया था, वो गौ तस्करों के खिलाफ है। हरियाणा सरकार ने भी गौ तस्करी के खिलाफ कानून बनाया हुआ है। साल 2022 में ही मोनू को गोरक्षा टास्क फोर्स का मेंबर बनाया गया है। मोनू मानेसर और उसकी टीम जहां भी गोरक्षा के लिए जाती है उस पूरे मामले का फेसबुक लाइव करती है, जिसके वीडियोस आपने देखे होंगे। मोनू मानेसर पर दूसरे धर्म के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप है। नो मामले में भी ऐसा कहा गया कि मोनू के बयान के बाद बवाल बढ़ा। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहकर मामला शांत कर दिया कि मोनू की वजह से ये सब नहीं हुआ। यहां तक कि CM मनोहर लाल ने ये तक कह दिया कि हरियाणा पुलिस हमेशा राजस्थान पुलिस के सहयोग के लिए तैयार है, अगर उन्हें मोनू मानेसर चाहिए तो हम उसे पकड़वाने में उनकी मदद करेंगे। जिसके बाद राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारी पुलिस अगर आपके यहां मोनू मानेसर को पकड़ने जाती है तो उस पर FIR हो जाती है, आप हमारी मदद क्या करेंगे। तो सवाल है कि अब अशोक गहलोत क्या कहेंगे। अब तो हरियाणा पुलिस ने बाकायदा मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी कर ली है। क्या अब गहलोत इसके लिए अपनी पुलिस को फटकार लगाएंगे और हरियाणा पुलिस को शाबाशी देंगे, क्योंकि मोनू मानेसर जैसे लोगों को अगर राजस्थान पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो फिर बड़े बड़े मामलों से कैसे निपटेगी। हालांकि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का विरोध भी शुरू हो गया है। कई लोग ये कहने लगे हैं कि हरियाणा पुलिस ये ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि मोनू गौ सेवक है और ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे सम्मान मिलना चाहिए। यह फैसला अदालत को करना है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। पर राजस्थान की पुलिस जैसे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने में फेल रही और हरियाणा पुलिस के सिर्फ एक जवान ने मोनू को पकड़ दिया, उसके बाद से गहलोत की पुलिस की मंशा पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो खुद ही मोनू मानेसर को नहीं पकड़ना चाहती थी ताकि हरियाणा सरकार की मंशा पर सवाल उठते रहें।